पक्ष ने इस बीच ये भी कहा कि केस सुनवाई लायक नहीं है। सर्वे की रिपोर्ट से पहले सवाल क्यों, ये हिंदू पक्ष ने जवाब में कहा है। अफवाहों पर लगाम लगाई जाए, मुस्लिम पक्ष की ओर से ये कहा गया है। शिवलिंग साबित होने तक अफवाहों पर रोक लगे, ये मुस्लिम पक्ष की ओर से तमाम बातें कही गई हैं। और जो बड़ी बात कही गई वो ये कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है वहां पर बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये कहते हुए कि वहां पर शिवलिंग बरामद हुआ। और ऐसे में कोर्ट इन तमाम चीजों को सुनते हुए क्या फैसला सुनाता है। हालांकि एक बड़ा अपडेट निकलकर जो सामने आ रहा है वो ये कि हो सकता है आने वाले एक और दो दिन इस पूरे मामले पर सुनवाई चले और सुनवाई के बाद फिर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला होता है। हालांकि अभी तमाम वकील बाहर नहीं आए हैं, कोर्ट रूम के जो कोर्ट परिसर उसके बाहर से हमारे सहयोगी हिमांशु लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। हिमांशु, क्या और जानकारी वहां से? देखिए, हलचल में अभी आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, एक तस्वीर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। आप जरा यहाँ पर पीछे तस्वीर देखिए कि जितने भी मीडिया कर्मी हैं यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर जो अंदर की तरफ से दोनों ही पक्षों के अधिवक्ता है वो बाहर आएंगे। एक लंबी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, सुरक्षा यहाँ पर चाकोबंद कर दी गई है, हर जगह यहाँ पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि पुलिसकर्मियों की हलचल यहाँ पर दरवाजे पर बढ़ गई है और इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है कि दोनों पक्षों की तरफ से अधिवक्ता कब आते हैं, तब उसके बाद पता पड़ेगा कि आखिर अंदर आज सुनवाई क्यों हुई, वजह क्या थी जिस वजह से इतनी गहमागहमी हमें देखने को मिली है। जहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से पहले दावा किया गया था, उसके बाद हिंदू पक्ष ने उस बात को काटा, अयोध्या का जिक्र क्यों हुआ, तफसील से हर एक मुद्दे पर यहाँ पर जो अधिवक्ता यहाँ पर आएंगे उनसे यहाँ पर बात भी की जाएगी। और यहाँ पर हम ये भी कहेंगे कि रूल ऑफ लॉ के बारे में यहाँ पर किस तरह की चर्चा की गई है, क्योंकि सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया था। उन्होंने कहा था कि रूल ऑफ लॉ पर यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए, उन्होंने ही यहाँ पर कहा था कि 7/11 पर चर्चा होना चाहिए। वर्षिप एक्ट की भी बात यहाँ पर लगातार की जा रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार और यहाँ पर करना होगा, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और ज्यादा वक्त नहीं, अनुराग मैं बता दूं, भले ही ये इस मामले की सुनवाई होगी या नहीं होगी, इसके लिए हमें हो सकता है कि एक दो दिन का इंतजार करना पड़े, लेकिन आज क्या सुनवाई हुई अंदर कोर्ट रूम में, दोनों पक्षों की तरफ से क्या कहा गया, इसके लिए कुछ ही देर में